आज हम लोग कर रहे थे टी जी पी जी टी के जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, यानी कि आज हम करेंगे स्टेटिक्स और डायनेमिक्स के महत्वपूर्ण फार्मूले। तो सपोज अगर दो सदिश हैं ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, तो इनका सम जो होगा वो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर होगा। यानी यदि ए बी वेक्टर की जो पोजिशन होती है वो होती है बिंदु बी का ऐसे सदिश माइनस बिंदु ए का ऐसे सदिश। सपोज अगर कोई बिंदु ओ के सापेक्ष, तो ए बी वेक्टर का इससे सदिश क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। जब मैंने ट्रेंगल बना के समझा दिया ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर की दिशा होगी ए से बी की तरफ, बी सी वेक्टर की बी से सी की तरफ और ए सी वेक्टर की ए से सी की तरफ। अब सपोज मान लिया बिंदु ए वेक्टर है, उसके इससे सदिश स्मॉल ए है और वेक्टर बी का इससे सदिश स्मॉल बी है। तब कंडीशन क्या होती है, बिंदु पी का इससे सदिश क्या होगा। सपोज दैट कोई रेखा ए बी है, वो रेखा ए बी को एम और एन अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो बिंदु पी का ऐसे सदिश होगा ए अब बात करते हैं ए बी वेक्टर के मध्य बिंदु का ऐसे सदिश। तो इसका मध्य बिंदु सपोज दैट ए बी रेखा हमने बनाई, इसका मध्य बिंदु ये है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन टू ये होगा इसका मध्य बिंदु का स्थित सदिश। चलिए अब बात करते हैं बिंदु पी है, कोई ए उस ए का वी उसके स्थित सदिश है, तो ओ पी वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। यहाँ पे इसका मॉड क्या होगा, ओ पी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आई के कॉफिशेंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर। अब बात करते हैं एकांक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड यानी मापांक उसका, यानी कि एकांक सदिश इक्वल टू सदिश अपॉन सदिश का मापांक। सपोज अगर कोई बिंदु पी है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो ओ पी वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओ पी वेक्टर का मापांक क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सपोज दैट तीन बिंदु हैं ए बी सी जिनके ऐसे सदिश, इनके समरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा, यानी एक ही लाइन में होंगे, तो इसकी कंडीशन होती है ए सी वैक्टर इक्वल टू एम इन टू ए बी वैक्टर। यहाँ एम क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखते हैं सपोज स्मॉल ए वैक्टर से जाने वाले तथा दो दिए हुए सदिश बी वैक्टर और सी वैक्टर हैं, उनके समांतर समतल का सदिश समीकरण क्या होगा। सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर, जहाँ एस और टी जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि बिंदु ए से जाने वाले दो दिए हुए सदिश बी वेक्टर और सी वेक्टर के समांतर समतल का सदिश। इसी इनके समतली होने का प्रतिबंध क्या होता है, यानी कि एक ही तल में होंगे, तो इसका प्रतिबंध होता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू सी वेक्टर, जहाँ लैम्डा और म्यू वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज है। अब बात करते हैं दो सदिश ए और बी वेक्टर जिनके बीच का कोण थीटा है, तो इनका अदिश गुणन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं ए वेक्टर की दिशा में बी वेक्टर का प्रक्षेप, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ये कंडीशन होती है। इसी प्रकार बी वेक्टर की दिशा में ए वेक्टर का प्रक्षेप क्या होगा, यानी प्रोजेक्शन क्या होगा, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब बात करते हैं एकांक सदिश आई जे के हैं, यानी यूनिट वेक्टर हैं आई जे के, तो उनका अदिश गुणन क्या होगा, आई डॉट आई ये होता है वन, जे डॉट जे ये भी वन होता है, के डॉट के ये भी वन होता है। नेक्स्ट देखते हैं आई डॉट जे, इसका होता है जीरो, जे डॉट के ये भी जीरो और के डॉट आई ये भी जीरो होता है। अब बात करते हैं आई ए वेक्टर दो वेक्टर के बीच का कोण अगर थीटा है, थीटा है तो इसका फार्मूला हम लोग बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में।
अब बात करते हैं दो वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये परस्पर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है। उसकी कंडीशन होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, तभी दो वेक्टर जो है परस्पर लंबवत। ये फार्मूला होता है कार्य निकालने का। अब बात करते हैं दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणन, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। इसका होता है ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, या ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ एन क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की लंबवत यूनिट वेक्टर है, एन जो है यूनिट वेक्टर है। अब बात करते हैं सपोज दैट ए वेक्टर है, उसके उसका एक्सपेंशन है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर है इसका एक्सपेंशन है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ये इस प्रकार दिया है। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका होता है आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये मैट्रिक्स बन गई। इसको हल कर लेंगे, यानी कि आई के सापेक्ष करेंगे तो ये छुपाएंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको छुपाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब बात करते हैं बिंदु ओ के पड़ता बल एफ का आघूर्ण क्या होता है, टाउ इक्वल टू ओ ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जहाँ ए जो है बल एफ का क्रिया बिंदु है। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज जिसका आसन्न भुजाएं अगर दी गई हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका एरिया होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर बात की जाए अगर विकर्ण के रूप में, तो इसका फार्मूला होता है ए एरिया इक्वल टू वन अपॉन टू मॉड ऑफ डी वन वैक्टर क्रॉस डी टू वैक्टर, ठीक है, ये हम लोगों कर लिया। एक कंडीशन ये और होती है ए वैक्टर बी वैक्टर अगर सी वैक्टर दी गए हों तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, कंडीशन होती है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीन बिंदु जो है ये समरेख होंगे यदि, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब बात करते हैं दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर की लंबवत इकाई सदिश क्या होगा, यानी यूनिट वेक्टर एन कैप इक्वल टू होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बात करते हैं एकांक सदिश आई जे के अगर दिए गए हैं तो उनका सदिश गुणन क्या होगा, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू, ये सब जीरो होते हैं। आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के ये आई होता है, और के क्रॉस आई ये जे होता है। अब बात करते हैं दो सदिश ए और बी दिए हैं, इनके बीच का कोण अगर थीटा है, दो सदिश दिए हैं ए बी और उनके बीच का कोण अगर थीटा है, तो ये फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी। अब बात करते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के तीन सदिश राशियां हैं अगर, तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी इंटू सी, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार डेरिवेशन में आ जाता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी सभी इक्विवेलेंट होते हैं। या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए बी सी इक्वल टू बी सी ए और सी ए बी। नेक्स्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, इसको चेंज कर सकते हैं तो माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी, यानी बी क्रॉस सी था उसको सी क्रॉस बी लिख लिया तो वहाँ माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, या ऐसे इसको फॉर्म में लिखेंगे ए बी सी इक्वल टू माइनस ए बी दिया बी वन आई प्लस बी टू जे बी थ्री के, सी दिया सी वन आई प्लस सी टू के सी जे के, तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये होता है ए वन ए टू ए थ्री, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, तो ये कंडीशन होती है। तो दोस्तों आगे के जो फॉर्मूले हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू।